हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अरफा भेड़ा। जिन लोग बात करने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन इन मतलब अंडर 15,000 रुपीज। वेल, इससे पहले भी टॉप 3 फोन आया था जो कि 20,000 के अंदर था। आप जाके इधर आई बटन में जाके चेक कर सकते हो। फॉर नाउ वेट करो, अभी पहले ये लिस्ट देख लो, उसके बाद 20,000 पे जाना, ठीक है? हो सकता है उससे अच्छा फोन आपको यही मिल जाए, ठीक है? अभी जो मैं फोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उनमें 120Hz स्क्रीन होने वाले हैं एंड 6000mAh बैटरी होने वाला है, 5G होने वाला है, कुछ 5G नहीं होने वाला, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देने वाला है। सारा इन्फो यहाँ नहीं दूंगा मैं, अंदर चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक। तो हमारा पहला फोन होने वाला है Realme Narzo 50। हमारा जो पहला फोन होने वाला है वो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन होने वाला है, साथ में 6.6 इंच का बड़ा स्क्रीन है, उसी के साथ IPS LCD डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करें, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, इसमें आपको MediaTek Helio G96 देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर कैमरा की बात करें, इसमें 50MP का बैक कैमरा मिलेगा, 2MP एंड 2MP का टोटल ट्रिपल कैमरा है। फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा। रिकॉर्डिंग की बात करें, इसमें आपको 1080p 30fps देखने को मिलेगा दोनों साइड। और अगर पूरा पूरी बैटरी बैकअप की बात करें, 5000mAh बैटरी, साथ में 33W, मतलब अब तो फास्ट चार्जिंग कॉमन हो गया। मतलब 15,000 वाले फोन में मिल रहा है लिटरली। मुझे नहीं पता आगे चल के स्मार्टफोन्स कहाँ जाने वाले। वहीं पे अगर प्राइस की बात करो, वेरिएंट 4 64GB होने वाला है। अगर इससे बड़ा वेरिएंट लेगा 15,000 के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जो पहला वेरिएंट जिसका मैंने बोला 4 64, वो आपको 11,900 में मिल जाएगा। ये जो नेक्स्ट फोन होने वाला है, सैमसंग की तरफ से M32 होने वाला है, एंड इसके अंदर आपको जो स्क्रीन है वो सुपर एमोलेड देखने को मिलेगा। साथ में आपको 90Hz का मतलब रिफ्रेश रेट एंड 6.4 इंच का पूरा पूरी स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा। और ये फोन होने वाला है सारे मतलब अभी और इससे पहले वाला फोन 4G होने वाला है, इसके आगे जितने भी फोन होंगे वो 5G होने वाले। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें आपको Helio G80 देखने को मिलेगा। बैक कैमरा जो होने वाला है 64MP, 8MP, 2MP एंड 2MP। फ्रंट में आपको 20MP का कैमरा देखने को मिलेगा। पूरा पूरे रिकॉर्डिंग जो है 1080p 30fps देखने को मिलेगा। 6000mAh का बैटरी है, साथ में 15W का फास्ट चार्जिंग है। साथ में इसका जो प्राइस होने वाला है 11,499 रुपये होने वाला। जी हाँ, 1 रुपया टॉफी खाइए आप। अब जो मेरा फोन होने वाला है वो IQOO Z6 Lite होने वाला है 5G। ये फोन हमारा अब यहाँ से हम लोग 5G स्टार्ट करने वाले, ठीक है? मतलब हम लोग नहीं, 5G का लिस्ट है वो स्टार्ट होगा। वहीं पे अगर स्क्रीन की बात करें, इसमें आपको 6.58 इंच का स्क्रीन देखने को मिलेगा, IPS LCD होने वाला है, साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको Snapdragon 4 Gen 1 देखने को मिलेगा, बिल्कुल नया प्रोसेसर है, आगे में बात करेंगे थोड़ा। वहीं पे अगर कैमरा की बात करें, तो इसमें आपको सिर्फ दो कैमरा देखने को मिलेगा, 50 और 2 MP, एंड साथ में फ्रंट में आपको 8 MP देखने को मिलेगा। हाँ, मुझे पता है काफी निराशाजनक प्रदर्शन है, बट 5G चाहिए लो, 5G लो। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैटरी के बारे में, तो 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग। मतलब अब मुझे 15W 18W फास्ट चार्जिंग लगते नहीं, क्योंकि 80 दे रहे हैं, 160 दे रहे हैं, मैं पागल हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर दाम की बात करें, तो जी हाँ, सिर्फ 5G इसमें गया है, एंड कैमरा पीछे जाने के बाद भी आपको ये 14,000 का पड़ने वाला है, 14,999 रुपये। अगर आपको ये कोई भी फ़ोन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप आराम से जाके ले सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा एफिलिएट थोड़ा कर रहे हैं हम भी, ट्राई गरीब लोग। अब जो हमारा फ़ोन होने वाला है, Realme का 9i 5G होने वाला है। जी हाँ, इसका भी दाम थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, मैं बताऊँगा कितना, बट ये इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो आपको आराम से मिल जाएगा 14-15 के अंदर। वहीं पर अगर स्क्रीन की बात करें, तो आपको इसमें स्क्रीन 6.6 इंच का देखने को मिलेगा, साथ में IPS LCD 90Hz। वहीं पर प्रोसेसर की बात करें, तो MediaTek का 810 देखने को मिलेगा। वहीं पे कैमरा की बात करें, तो 50MP 2MP एंड खुदा का वास्ता एक और 2MP का कैमरा लग गया है, मतलब खुशी मनाओ अब। एंड फ्रंट में वही 8MP देखने को मिलेगा, एंड रिकॉर्डिंग भी 1080p 30fps देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करें, तो 5000mAh का बैटरी के साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग दिया गया है, जो कि इसका प्राइस का मैंने बात किया था, तो आपको लाइक ये प्राइस अभी थोड़ा ज़्यादा है, आपको 6GB 128GB आराम से 16,000 के अंदर मिलेगा। उससे छोटा वेरियंट लेने जाओगे तो आपको 15 के आसपास मिल जाएगा। प्राइस अभी थोड़ा ज़्यादा हुआ, पता नहीं क्यों, बट ये वापस से नीचे आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अब जो हमारा नंबर वन फ़ोन होने वाला है वो है, मतलब नाम शायद आपको पसंद नहीं आए, इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है? अब हम लोग स्पेस के अंदर चलते हैं। स्क्रीन की बात करें, तो 6.7 इंच का स्क्रीन है, साथ में आपको एमोलेड दिया गया है, लेकिन सिर्फ 60Hz है, बस यही थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसके अंदर। प्रोसेसर की बात करें, तो इसमें आपको Dimensity 810 देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें, मैंने इसे इसीलिए नंबर वन पे रखा था, क्योंकि इसमें आपको 108MP का कैमरा देखने को मिलेगा, उसके साथ 2 MP एंड साथ में फ्रंट में अब तक का सबसे ज्यादा 5G के अंदर 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर रिकॉर्डिंग की बात करें, तो इसमें आपको सबसे अच्छा रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, फुल HD 30fps, which is 2K दोनों फ्रंट और बैक दोनों तरफ। जी हाँ, मतलब
दल बदल नहीं है। वही अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी है, साथ में 33 W का फास्ट चार्जिंग दिया गया। प्राइस क्या मतलब मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। इसका जो 6 GB वाला वेरियंट है आपको 14,999 के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको 8 GB लेना है तो थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, विच इज अराउंड 18,000 rupees। कंक्लूजन की बात करें तो कैमरा और बैटरी ज्यादा अच्छा चाहिए तो आप सैमसंग प्रीफर कर सकते हो, 5G का कोई टेंशन नहीं है। तो अगर 5G का टेंशन है तो 3 फोन दिया है मैंने। अगर कैमरा बहुत अच्छा आपको चाहिए तो आप आराम से इन्फिनिक्स पे जा सकते हो। अगर ब्रांड से जुड़ना है तो फिर रियलमी है, एंड बाकी सारे लिस्ट में सभी फोन अच्छे हैं। अगर बहुत ज्यादा पॉकेट टाइट है आपका तो 5G को भूल जाओ, उसको कन्यादान कर दो एंड 4G पे रहो, एंड बहुत अच्छे अच्छे आपको स्पेक्स देखने को उसमें मिल जाएंगे। इवन 120Hz भी देखने को मिलेगा, AMOLED भी देखने को मिलेगा, एंड उधर दूसरी तरफ बड़ा बैटरी भी देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर 5G चाहिए आपको, आप फ्यूचर के लिए रेडी होना चाहते हैं, मतलब करियर वरियर छोड़ो सबका नीचे जा रहा है फिलहाल के लिए, अगर आप 5G के मतलब लेना है आपको तो आप 5G ले सकते हैं, इन्फिनिक्स इज अ बेटर चॉइस। अगर आपको इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है तो रियलमी आराम से ले सकते हो। हाँ, कंसिस्टेंट देता है, मतलब क्वालिटी कंसिस्टेंट है। प्रोसेसर सारे के सारे काफ़ी ठीक ठाक ही हैं, एंड आपको जितना मतलब 15,000 के फ़ोन के अंदर निचोड़ के चलाना है वो आप चला पाइएगा, सभी के प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। नीचे जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, साथ में बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो, जिससे 15,000 के अंदर फ़ोन चाहिए उसको भेजो ये वीडियो। कम से कम हमें तो व्यू मिलेगा, वो 15,000 का फ़ोन नहीं लेगा तो भी चलेगा ना। फॉर नाउ अगर आपको ये सारे भी फ़ोन लेने हैं, मतलब कोई भी पाँचों का पाँचों, नीचे आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आराम से जाके लीजिए, मतलब ले लेना यार, लेना ही तो है, लिंक क्लिक करने में कितना लगता है। फॉर नाउ सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।